me goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to me. Shit to me. You denied everything. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आशा बिलाल, आप देख रहे हैं अपना चैनल आशा बिलाल व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विदाउट ओवन पिज़्ज़ा। आप किस तरह घर में आसानी से ओवन के बगैर पिज़्ज़ा बना सकते हैं, चले बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको डो पिछली वीडियो में बताना सिखा दी थी। आपने डो को अच्छी तरह से अपनी ट्रे में फैला देना है, जिससे जो भी आपके पास बर्तन हो, स्टील का कोई भी या गहराई में हो, तो आप उसको डाल दीजिए। उसके ऊपर पिज़्ज़ा को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से प्लेट में फैला दीजिए। उसके बाद आपने किसी भी फॉक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आपने इसके छोटे छोटे इसके अंदर सुराख कर लेने हैं, ताकि जब वो बेक होने पर आए तो आटा ये आपकी डो अच्छी तरह से फूल सके। इसके बाद आपने इसमें पिज़्ज़ा सॉस या चिली गार्लिक सॉस आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से फैला देना है। डो के या किनारे आपके थोड़े से मोटे होने चाहिए, जब वो बेक होने पे आए तो आप इसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करें वो निकल कर बाहर ना आए। अगर आपके किनारे फूल जाने से जो भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करेंगे वो इसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। इसके बाद आपने प्याज को किसी भी शेप में आपने कट कर लेना है। इसके बाद आपने ले लेनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप जिस तरह भी चाहें आप कट कर सकते हैं, पर लेकिन ये चकोर में ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर इसके बाद इसके ऊपर आपने चिकन ऐड कर देना है। इसकी वीडियो भी मैं आपको पिछली वीडियो बता चुकी हूँ। मैं अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर जाइए मेरे चैनल को सर्च कीजिए और आपको पिज़्ज़ा चिकन की रेसिपी मिल जाएगी। इसके बाद आपने चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों को आपने कद्दूकश करके इसके ऊपर डाल देना है, जितनी आप चाहें। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं खाना तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। इसके बाद आपने कोई भी हैवी पॉट ले लेना है, इसके अंदर आपने डाल लेना है नमक और आपने कोई भी कटोरी इसके ऊपर रखकर इसको अच्छी तरह के लिए गर्म करने के रख देना है 15 मिनट के लिए। इसके बाद जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने इसमें ऊपर डाल दिया, आपने पिज़्ज़ा ट्रे इसमें डाल देनी है और ढक्कन बंद कर देना है। इस पर कोई भी आपने कपड़ा दे देना है ताकि इसकी भाप अंदर बाहर ना निकले और इसकी भाप अंदर ही रहे। यहाँ से पिज़्ज़ा जब आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए तो आप इस पिज़्ज़े को निकाल लीजिए। आपकी डो पक चुकी होगी, ये आपकी आँच पर है। आपने इसको 10 मिनट के बाद चेक कर लेना है, अगर ये मेल्ट हो जाए तो आप ज़रूर इसको निकाल लीजिए, क्योंकि नहीं तो इसकी डो नीचे जल जाएगी। अगर आपको मेरी ये 15 मिनट मेरे हो चुके थे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपने इसे बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताना है कि आपको ये किस तरह का लगा। अगर आप डिफरेंट फ्लेवर चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बाज़ार जैसे डिफरेंट फ्लेवर भी बनाकर दे दूँगी और आप इसको आसानी से बजट में रहकर घर बनाइए और एंजॉय कीजिए।